भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कमलनाथ पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि कमलनाथ 1984 के दंगों का जवाब दें, कमलनाथ ने लोकतंत्र की हत्या की उसका जवाब दें, कमलनाथ ने एक दलित बेटी का अपमान किया और उस पर माफी मांगने में कष्ट हो रहा है, कमलनाथ अब तो राहुल गांधी की बात नहीं सुन रहे। बीडी शर्मा ने कहा कमलनाथ 1984 दंगों का जवाब दें। कमलनाथ के खिलाफ संजय सूरी ने बताया है कि 1984 के कत्लेआम में कमलनाथ का हाथ था, इसके वे गवाह हैं, प्रत्यक्षदर्शी हैं। कमलनाथ ने 1984 के दंगों में झूठ बोला था और यह मामला कमीशन में चल रहा है, इस पर कार्य भी हो रहा है। कमलनाथ ने लोकतंत्र की हत्या की, अब एक दलित की बेटी मरती देवी का अपमान किया, उस पर राहुल गांधी के कहने पर भी ये माफी नहीं मांग रहे। जिस गांधी परिवार के दरबारी हुआ करते थे, जिनकी वजह से ये मुख्यमंत्री बने, उनकी ही बात को इनने तवज्जो नहीं दिया। बीडी शर्मा ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस ने अब नेतृत्व नहीं बचा, दिग्विजय सिंह तो खुद ही गायब हो गए और कमलनाथ को भी दरकिनार किया जा रहा है। दोनों के बाद अब कांग्रेस छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को बुला रही है, जिनको धर्मांतरण में विश्वास है, वे क्या प्रचार करेंगे? उन्होंने कहा भाजपा अपने काम के बल पर 28 सीटें जीतेगी। देखिए कोई मुकाबला नहीं है, भारतीय जनता पार्टी अपने काम के बल पर, विकास के मुद्दे पर और भारतीय जनता पार्टी का संवेदनशील नेतृत्व के बल पर 28 की 28 सीटें जीतेगी। आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जमीन खत्म हो गई, नेतृत्व खत्म हो गया, दिग्विजय सिंह तो खुद ही गायब हो गए, कमलनाथ भी अब कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने उनको भी अब दरकिनार कर दिया और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को यहाँ भेजने का प्रयास किया गया है। जो मैंने कहा है कि वो तो धर्मांतरण में विश्वास रखते हैं, वो मध्य प्रदेश में आकर के क्या प्रचार करने का प्रयास करेंगे? और आज एक इस देश के वरिष्ठ पत्रकार संजय सूरी ने इंग्लैंड से ये कहा है आज कि जिस प्रकार से 84 के दंगों में कमलनाथ ने झूठ बोला था और मैंने इन आंखों से देखा था कि ये प्रत्यक्षदर्शी में था, उन्होंने गवाही दी है उस कमीशन के सामने, तो संजय सूरी ने आज कहा है कि जिस प्रकार से 84 के दंगे में कमलनाथ झूठ बोल रहे थे, उसी प्रकार से इमरती देवी के एक दलित महिला के अपमान में इस देश के अंदर फिर झूठ बोलने का काम और इस देश से फिर दगा करने का काम कमलनाथ कर रहे हैं, जो अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। राहुल गांधी जिसने तुमको मुख्यमंत्री बनाया था, आप तो दरबारी थे गांधी परिवार के, और आप उसको दगा देने का काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की जनता और नारी शक्ति इस चुनाव में तुमको इसका कड़ा जवाब दे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।